अश्विनी, ये जो चीज़ें हम देख रहे हैं, थोड़ी देर पहले हम बात भी कर रहे थे कि जो जमानत की प्रक्रिया है वो हो गई है और अब रिहाई की प्रक्रिया शुरू हो गई है, साथ ही शर्तें भी लगाई गई, लेकिन इसके बाद क्या होगा? मन्नत जाएंगे आर्यन खान, लेकिन इस केस का क्या होगा, इस केस में आगे की प्रक्रिया क्या होगी, ये मुकदमा अब कहाँ चलेगा, जब तक चार्जशीट फाइल होगी, फिर उस बीच में एनसीबी के पास क्या काम रहेगा इस केस को लेकर, किस तरह की जांच की जाएगी एनसीबी की तरफ से, क्या प्रक्रियाएं हैं जिनको फॉलो किया जाएगा, जिनका अनुसरण किया जाएगा? जी देखिए, एनसीबी की जांच लगातार जारी रहेगी, भले ही आर्यन खान इस मामले में उन्हें बेल मिल गई है, वो घर पहुंच जाएंगे, लेकिन जांच लगातार जारी रहेगी। जैसा आपने पिछले काफ़ी समय से आप देख रहे हैं, जो इस मामले में जो पूरी तरह से जांच कर रहे हैं समीर वानखेड़े, उनको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, इसकी वजह से फिलहाल जांच की प्रक्रिया में थोड़ी जो है धीमी गति हुई है। उसमें अनन्या पांडे को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन चूंकि समीर वानखेड़े के ऊपर ही जाँच बैठ गई, तो ऐसे में अनन्या पांडे को पूछताछ के लिए जो समय दिया गया था वो रद्द किया गया और उन्हें कहा गया कि उन्हें एक नया समन जारी होगा, फ्रेश समन जारी होगा, तब उन्हें आना होगा। ऐसे में ये जो पूरी जाँच है वो आगे भी जारी रहेगी। 60 दिनों का समय है एनसीबी के पास चार्जशीट दाखिल करने के लिए, जिसमें से करीब 28 दिन का समय निकल चुका है। अब आने वाले 32 दिनों में उन्हें चार्जशीट दाखिल करनी होगी। इस चार्जशीट में दाखिल करने के लिए तमाम पहलुओं की जांच करनी होगी, तमाम एंगल्स निकालने होंगे और फिर चार्जशीट दाखिल करनी होगी, ताकि ये केस मजबूत रहे। अखिलेश तिवारी लगातार इस केस को शुरू से ही फॉलो कर रहे हैं। जिस दिन आर्यन की गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तारी के एक दिन पहले यानी जिस दिन रेड हुआ, उस दिन से ही ये फॉलो कर रहे हैं। अखिलेश, हम आपसे समझना चाहेंगे कि इस केस में ऐसे क्या बहुत महत्वपूर्ण पहलू हैं जो है एनसीबी बहुत ज़्यादा गंभीरता से देखेगी, ताकि इस केस को मजबूती से रखा जा सके। जी देखिए, जिस तरह से एनसीबी आर्गुमेंट कर रही थी, एनसीबी का कहना था कि आर्यन खान के जो चैट्स मिले हैं उसमें इंटरनेशनल ड्रग्स ट्रैफिकिंग का मामला है और वो 4 साल से ड्रग्स सेवन करते रहे हैं, कैलिफोर्निया में पढ़ाई करते थे और उनके कई इंटरनेशनल ड्रग्स पेडलर से संबंध है। हालांकि वो अदालत में ये प्रूफ नहीं कर पाए, हालांकि उन्हें जमानत मिल गई है, लेकिन अब जमानत मिलने के बाद भी जो लोग अभी अंदर हैं उनसे पूछताछ चल रही है, अगर कोई ऐसी लिंक मिलती है तो फिर से पूछताछ कर सकती है एनसीबी। ऐसा नहीं है कि जमानत मिल गई तो पूछताछ नहीं कर सकती, क्योंकि अगर उन्हें कोई ठोस ऐसा परमिशन लेके कोर्ट से परमिशन लेनी होगी, लेकिन अगर कोई लिंक उन्हें बड़ा मिल जाता है और वो प्रूफ कर पाते हैं कि फिर से उन्हें हिरासत में लेनी है या पूछताछ करनी है, तो वो कोर्ट से परमिशन लेके उनकी जमानत को कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन ये मुमकिन नहीं लगता, क्योंकि जिस तरह से 20 दिन का 28 दिन का वक्त कह सकते हैं बीत गया, लेकिन एनसीबी कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं जुटा पाई, ना तो किसी को सामने ला पाई कि जो ऐसा डायरेक्ट लिंक लग रहा हो कि कोई पेडलर्स बड़ा या कोई ऐसा खेप पकड़ा हो एनसीबी ने जो कि आर्यन खान से जुड़ा हो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि एनसीबी के पास व्हाट्सएप चैट जो है उसको ही एनसीबी ने बहुत बड़ा आधार बनाया, उसमें बल्क क्वांटिटी की बात कही जा रही है, 80,000 रुपए की लेनदेन का जिक्र है, इसके अलावा गांजे का जो है जिक्र है। ये भी पूछिए, आपके पिछले जो मामले हमने देखे थे सुशांत केस में, जब एनसीबी ने कार्रवाई शुरू की तो इसी तरह से चैट्स के मामले आए थे, पेडलर्स की जानकारी मिली थी और फिर हमने देखा कि उन केसेस का किस तरह से वो आगे बढ़े थे, किस तरह की उनमें जाँच हुई थी, उन मामलों से ये मामला किस तरह से अलग है या फिर वैसा ही मामला है और उसी तरह की प्रक्रिया इसमें भी होगी, और शायद जिस तरीके से बाकी लोगों को इसमें जो जितनी भी रिलीफ मिली हुई है वैसी ही रिलीफ आर्यन खान को मिलेगी? जी अखिलेश, हम समझेंगे कि अखिलेश आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से हमने देखा कि सुशांत सिंह का मामला सामने आया, सुशांत सिंह केस में बहुत बड़े बड़े लोगों को बुलाया गया, चाहे दीपिका पादुकोण हो, इसके अलावा तमाम सेलिब्रिटीज, साउथ की सेलिब्रिटीज़ को भी बुलाया गया, इस मामले में और उस मामले में क्या जो है अलग चीज़ है उसके बारे में थोड़ा सा समझाइएगा। बहुत ज़्यादा इसमें कोई फ़र्क नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरह से आर्यन खान के पास कोई भी कंजम्पशन उन्होंने नहीं किया था, ना ही कोई उनके पास पोजेशन में मिला, ना ही उन्होंने कोई सेलिंग किया था, ना परचेस किया था। व्हाट्सएप चैट पर ये ज़रूर बातें हो रही थी कि ड्रग्स कहाँ से मिलेगा, कैसे, जैसे अनन्या पांडे का चैट सामने आया था, इससे ये कोई प्रूफ नहीं होता, जैसे कि उनके वकील मुकुल रोहतगी ने भी कोर्ट में कहा कि ये प्रूफ नहीं होता कि ये
इसी ड्रग्स और इसी पार्टी के लिए कहा जा रहा था। उन्होंने पहले लॉकडाउन के दरमियान एक ग्रुप बनाया था और जो स्टार किड्स थे वो एक पोकर नाम का गेम था, उस गेम के दौरान ये सब चैट्स कर रहे थे। यानी पुरानी चैट्स थी। जी पुरानी चैट्स थी और उसका इस संबंध इससे कोई जोड़ के नहीं देखा जाने। हालांकि जो कमर्शियल आइटम बता रहे थे एनसीबी वाले कि बहुत सारे ड्रग्स अनेकों प्रकार के ड्रग्स मिले और इसकी कमर्शियल क्वांटिटी ज़्यादा है, लेकिन ये जो भी ड्रग्स पेडलर या जो भी लोग मिले हैं वो आर्यन से डायरेक्ट लिंक नहीं थे, सिर्फ अरबाज को छोड़कर। अरबाज उसका दोस्त है बचपन का, उसके पास 6 ग्राम ही मिला था, तो ये कॉमर्शियल क्वांटिटी नहीं कहा जा सकता, इसलिए कोई बहुत बड़ा ये केस नहीं बना। हालांकि ये शाहरुख खान के बेटे थे इसलिए इन्हें 28 दिन लग गए और ये नेम और फेम वाला पूरा मामला हो गया। एनसीबी ने भी पूरी लड़ाई जोर शोर से लड़ी, लेकिन वकीलों ने जिस तरह से अपने आर्ग्यूमेंट रखे कोर्ट में, कोर्ट को बॉम्बे हाई कोर्ट को इन्हें रिलीज करना पड़ा। और यही मामला हुआ था सुशांत सिंह राजपूत में भी, जब रिया चक्रवर्ती को भी बॉम्बे हाई कोर्ट ने ही रिलीज किया था। शोविक को भी गिरफ्तारी हुई थी, वो शोविक को भी बॉम्बे हाई कोर्ट से ही रिलीज मिली थी। जी तो ये पूरा जो मामला है ड्रग्स का, बॉलीवुड के जितने लोग भी अभी तक पकड़े गए हैं किसी को सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाना पड़ा, बॉम्बे हाई कोर्ट से ही सबको बेल मिल गई, जमानत मिल गई है। और एनसीबी ने अभी तक अब आगे जब ट्रायल चलेगा देखना ये होगा कि एनसीबी क्या किसी को कन्विक्शन करा पाती है। हमने देखा कि जब ये मामला हुआ था सुशांत सिंह के बाद दीपिका पादुकोण से पूछताछ हुई, सारा अली खान से पूछताछ हुई, लेकिन उसमें कंक्लूजन क्या हुआ, कहां तक पहुंचा, उसके बारे में एनसीबी ने आज तक कुछ बताया नहीं, इसके बारे में क्या कुछ बता सकते हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए जितने बॉलीवुड के सेलिब्रिटी पकड़े गए फिर बाद में एनसीबी की जो जांच है आगे ही नहीं बढ़ी और सबको जमानत मिल गई, तो यानी कि उनके पास ठोस कोई लिंक नहीं मिला। जैसे प्राइमा फेसी वो जब रेड करते हैं, रेड के दरमियान उन्हें जो भी मिला 2 ग्राम 4 ग्राम जो भी उनके पास रेड के दरमियान क्वान्टिटी मिली, उस आधार पे उन्होंने अरेस्ट कर लिया। कई लोगों को उन्होंने समन दे के बुलाया, पूछताछ किया और पूछताछ के बाद फिर उन्हें जाने दिया, लेकिन एनसीबी ने कभी खुलकर सामने आकर ये नहीं कहा कि उनके पास क्या क्वांटिटी थी, क्या ड्रग्स ट्रैफिक, ये पूरे मामले पर अभी तक उन्होंने खुलासा नहीं किया। यानी कि कहीं ना कहीं जो एक आरोप लग रहा है कि बॉलीवुड को डराने की कोशिश की गई ड्रग्स के नाम पर, ये आरोप लगातार हम देख रहे हैं पॉलिटिकल पार्टियाँ जो हैं वो लगा रही हैं, क्या इस तरह की जांच उसका कंक्लूजन ना आना उस बात की तस्दीक करता है जो आरोप लग रहे हैं? जी देखिए, पॉलिटिकल पार्टी आरोप कर रही है, एनसीबी एक एजेंसी है, स्वतंत्र एजेंसी है, वो अपना काम कर रही है, इस पर हम किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से नहीं बात कर सकते, पॉलिटिकल पार्टी उन पर आरोप कर रही है। लेकिन एनसीबी का कहना है कि उन्हें जब कोई रेड की जानकारी मिली मुखबिर से तब उन्होंने रेड किया था और उसमें उन्हें ये नहीं पता था कि आर्यन खान भी आने वाला, आर्यन खान के बारे में उनके मुखबिर ने बताया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।